अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ज़ील उस्मानी और वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप बाइनेंस पे का अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, और उससे जो है बहुत से चीज़ों बाय कर सकते हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सो सबसे पहले आपने बाइनेंस ऐप में लॉगिन होना होगा, और उसके बाद जो है आपने वॉलेट्स के सेक्शन में जाना होगा, और वहाँ जाएंगे तो आपको टॉप पे एक पे का ऑप्शन जो है ऐड हुआ होगा। बहुत से लोगों के मोबाइल में जो है ये ऑप्शन आ चुका है, बहुत से लोगों के मोबाइल में नहीं आया, जिस तरह मेरे मोबाइल में भी नहीं शो हो रहा है जबकि मैंने ऐप भी अपडेट की हुई है। सो अगर आपके पास भी शो नहीं हो रहा है तो आपने करना क्या है, आपने होम के टैब पे जाना है और यहाँ एक मोर का ऑप्शन होगा, आपने जो है अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, यहाँ पर आपने जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल करेंगे तो पे के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे जो कि फाइनेंस के साथ ही होगा। सो इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है ओपन पे वॉलेट का ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है जो कि मैंने सर्कल भी कर दिया है। और इसके बाद जो है आपको अपना यूज़र नेम सेट करना है या निक नेम सेट करना है जो कि मेरा ऑलरेडी सेट है, तो उसको आपने देखना है जो अवेलेबल है वो आपने सेट करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके इसको जो है कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप पिन सेट करें जो कि बाइनेंस सिक्योरिटी की वजह से जो है अभी हाइड हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ 6 डिजिट का पिन सेट करना है जो कि मेक श्योर स्ट्रांग हो, वरना जो है बाइनेंस पे एरर देता है कि आपका पिन स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से मैंने भी जो है 2 से 3 बार के बाद जो है मेरी पिन लगी थी क्योंकि वो बार बार एरर आ रहा था आपकी पिन वीक है, तो फिर मैंने डिफ़िकल्ट पिन सेट की तो वो फिर मेरी पिन सेट हो गई। तो आपने मेक श्योर कि पिन जो है स्ट्रांग हो, फिर आपने उसको कहीं लिख के रख लेना है ताकि वो पिन आपको याद रहे। उसके बाद जो है आपने स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करना होगा, ये जो है हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह इसको यूज़ किया जाएगा, तो हम स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है गो टू वॉलेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो अगर आपने किसी से पैसे रिसीव करने हैं तो उसके लिए रिसीव का ऑप्शन है, और जब वो रिसीव हो जाएंगे तो हम इसको स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम रिसीव का ऑप्शन देख लेते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास एक QR कोड होगा। अगर आपका दोस्त आपके पास मौजूद है, आपके साथ है, तो वो इस QR कोड के ज़रिए आपको पैसे यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकता है, और अगर वो कहीं दूसरे सिटी में या दूसरे एरिया में रहता है तो आप ये PID जो है उसको दे सकते हैं, वो अपने बाइनेंस पे के थ्रू आपको पैसे सेंड कर सकता है यहाँ पे। और इसकी फ़ीस जो है बिल्कुल 0 है, कोई फ़ीस नहीं है। तो जब वो आपको सेंड कर दे तो आपने क्या करना है, आपने जाना है ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे, और ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे जाने के बाद जो भी उसने कोइन या करेंसी जो आपको सेंड की होगी आपने जो इसको सेलेक्ट करना है जो भी उसने आपको सेंड किए होंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर USDT आपको सेंड किए हैं तो आपने वो सेलेक्ट करके मैक्सिमम पर क्लिक करना है और ट्रांसफ़र कर लेना है उसको अपने स्पॉट वॉलेट में। और अगर आप जो है सेंड करना चाहते हैं किसी दोस्त को तो आपने जो है उससे PID लेनी है और उसको यहाँ पेस्ट करना है। मिसाल के तौर पर अभी मैं वीडियो के लिए जो है मैं एक PID जो है दोस्त की लेके यहाँ पे जो है पेस्ट करता हूँ, और इसको पेस्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जो है वापसी करेंसी सेलेक्ट करेंगे जो भी आप सेंड करना चाह रहे हैं, उसके बाद अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो कुछ ही मिनट्स के अंदर वो आपके दोस्त को या जिसको आप सेंड करना चाह रहे हैं उसको रिसीव हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि इससे किस तरह आप जो है नेटफ्लिक्स वगैरह बाय कर सकते हैं। सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।